व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप सब दोस्तों। आई होप आप सब यहाँ पे अच्छे होंगे और दोस्तों अच्छे होने भी चाहिए, क्योंकि दोस्तों जब तक हम आपके साथ में हैं तब तक तो दोस्तों कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। वो बात दूसरी अलग है दोस्तों, अगर हमारा साथ छूट जाता है बीच में कहीं तो दोस्तों उसमें मैं कुछ कर नहीं सकता उस चीज में भाई, ना तो आप कुछ कर सकते ना मैं कुछ कर सकता, ठीक है ना। लेकिन जब तक आप मेरे से जुड़े हुए हो ना, तब तक तो भाई जो आपके साथ में स्कैम कर रहे हैं, आपके साथ में स्कैम होने वाला है, उन सभी से आपको मैं अवेयर करता रहूंगा जब तक भाई राम जी का साथ है, ठीक है। बात तो सही है। तो एक बार दोस्तों सभी भाई कमेंट में जय श्री राम लिख करके पोस्ट कर दो, ताकि भाई मजा आ जाए देख करके। और हाँ, कहाँ से आप मेरी वीडियो वॉच कर रहे हो ताकि मैं आपको थैंक्स कर सकूं, क्योंकि आप लोग दोस्तों इतना प्यार करते हो और भाई इतना अच्छा वीडियो पे रेस्पॉन्स देते हो, भाई मजा आ जाता है देख करके। तो दोस्तों आज का वीडियो बड़ा ही स्पेशल होने वाला है, क्योंकि आज मैं आपके लिए कुछ ऐसा कुछ धमाकेदार लेकर आ गया हूं जिससे आप मुझे कहोगे भैया क्या हो रहा है ये, मतलब आग लगने वाली दोस्तों आग। तो क्या कर रहे हैं यार तू? आज का वीडियो दोस्तों एक न्यू मांझे के ऊपर होने वाला है, न्यू कॉटन मांझे के ऊपर। दोस्तों क्या होने वाला है वो मांझा, कैसा होगा, क्या ओरिजिनलिटी होगी, क्या प्राइस होंगे, क्या वो मांझा प्लास्टिक वाले मांझे को काट पाएगा या नहीं काट पाएगा, क्या उसका रेस्पॉन्स होगा, और सबसे बड़ी बात दोस्तों वो किस कंपनी का ब्रांड है। तो आज की वीडियो में आपकी सारी क्वेरी सॉल्व करेंगे इसके रिव्यू पे, ठीक ना। ओके, आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आप सभी से बस एक ही बात कहना चाहूंगा, दोस्तों प्लास्टिक के जितने भी मांझे अब आ रहे हैं, ठीक है ना, लोकल आ रहे हैं, क्योंकि ओरिजिनल का तो सवाल पैदा होता ही नहीं है। मैंने अपनी वीडियो में भर भर के आपको बताया है कि भाई ये ब्रांड बंद हो चुके हैं। देखिए दोस्तों आप ये मुझे पता है स्किप स्किप कर दोगे, लेकिन ये उन लोगों के लिए ठीक है जो मुझे सुनना पसंद करते हैं। तो भाई मैं तो आपसे अनुरोध कर सकता हूँ भाई, भाई प्लीज़ प्लास्टिक के मांझे मत उड़ाओ, क्योंकि दोस्तों अब ओरिजिनल वाले मांझे ऐसे हो गए, लग चुके ताले, लेकिन लोकल फैक्ट्रीज पे अभी भी लोकल मांझे बन रहे हैं और बहुत सारे सेलर शॉपकीपर अपनी दुकानों पे छुप छुप करके बेच रहे हैं। भाइयों ऐसा मत करो, 15 अगस्त आने वाला है, क्यों फेस्टिवल खराब कर रहे हो, किसी बच्चे की जान चली जाएगी। अभी हाल ही में ही दिल्ली में भाई बहुत बड़ा हादसा हो गया, एक छोटी सी बच्चे की जान चली गई, भाई दिल तो मतलब बहुत दुखा। मैं खुद इस चीज़ के खिलाफ खड़ा हो चुका हूँ और मैंने बहुत टाइम पहले ही ये चीज़ें बोल दिया था कि भाई ये चीज़ें बंद कर दो, ये चीज़ें मत उड़ाओ, क्योंकि कोई फ्यूचर नहीं है। क्योंकि दोस्तों जब से मैंने LG कंपनी के ब्रांड यूज़ किया है तब से मेरा दिमाग के पुर्जे हिल गए हैं भाई, कसम से यार। दोस्तों प्लास्टिक वाले मांझे को ऐसे काट के धर रहा है जैसे कि यार कोई गाजर मूली काट रहा हो। ये बड़ी अच्छी बात कही यार। तो दोस्तों मैं क्यों आप लोगों को फिर गलत एडवाइस करूं कि यार नहीं आप ये नहीं ये लो, आप ये नहीं यार वो लो। नहीं भाई, जब हमें कॉटन के मांझे से इतना अच्छा रिजल्ट मिल रहा है तो भाई मैं आपको बिल्कुल भी यहाँ पे स्विच नहीं करूंगा। दोस्तों रही बात ओरिजिनलिटी की, इनफैक्ट अगर कोई भाई ओरिजिनल ब्रांड आएगा इन केस तो भाई मैं आपको उसके लिए अपडेट कर दूंगा, ठीक है। अभी तो दोस्तों सब चीज़ें धीरे धीरे बंद हो रही है और हमारा एक एजेंडा है कि भाई हमें ये प्लास्टिक के जितने भी ब्रांड है, लोकल है चाहे ओरिजिनल, जो अभी जिनके पास में है, सभी को दोस्तों बॉयकट करना है, ठीक है ना। ये एजेंडा उठा लो, मैं चाहता हूँ दोस्तों आप कम पैसों में बढ़िया मांझा उड़ाए कॉटन का, जो प्लास्टिक वाले मांझे का ओरिजिनल का बाप काट दे, ऐसे मांझे उड़ाओ। तो ऐसे मांझे दोस्तों मैंने आपको दिखा चुका हूँ अपनी वीडियो पे, बार बार उनके बारे में बड़ाई करने का फायदा नहीं है। जिनको भाई फीडबैक ही देखने तो इंस्टाग्राम पे जाके देख लो मेरे, वहाँ पे लोगों का फीडबैक बस उनका नाम ही बोलता है। अभी क्या LG कंपनी न्यू लॉन्च करने वाली है वो उसके बारे में बाद में बात करेंगे, क्योंकि अभी तो कुछ ऐसा पता नहीं। लेकिन अभी मार्केट के अंदर एक न्यू ब्रांड आ चुका है जिसका बहुत सारे लोग वेट कर रहे थे और मैं भी काफ़ी वेट कर रहा था, ताकि भाई पता लगे क्या ऐसा कंपनी बना रही है जो आप लोगों की भी मतलब दिमाग में आए, जो दोस्तों हमारे लिए भी अच्छा हो और आप लोगों के लिए तो भाई मजा ही आ जाए, ठीक है ना। तो दोस्तों पेश है आपके सामने न्यू इंडिया करके भाई मजा, आपका दिमाग हिल गया होगा कि भाई ये क्या लॉन्च कर दिया। अभी मजा आएगा ना भिड़ो भाई साहब, देखने में तो लग रहा है यार ये तो मोनोगाइड है लग रहा है मनोकाई। तो भाई इसकी पूरी बारी का समझाऊंगा आपको, एक एक वर्ड समझाऊंगा, एक एक ओरिजिनलिटी की पहचान बताऊंगा। तो वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी तरीके साथ में। भाई एक चीज और, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दियो, नहीं तो सबके सब टाण मराओ। अच्छा तो दोस्तों पेश आपके सामने न्यू इंडिया करके कॉटन की थ्रेड, ठीक है। तो भाई सबसे पहले तो आपको देखने में ये लग रहा होगा कि यार ये तो बिल्कुल एकदम भाई प्लास्टिक वाले मांझे की तरह इन्होंने बना दिया है भाई साहब, सेम टू सेम मोनोकाइट जैसा। तो भाई दिमाग में आ रहा होगा कि यार ये कंपनी कौन सी है। तो दोस्तों ये जो कंपनी है ये है दोस्तों न्यू इंडिया करके, ठीक है। और यहाँ पे आप सामने की तरफ देख सकते हो कॉटन थ्रेड। तो सबसे पहले मैं फ्रंट की बात कर रहा हूँ, फ्रंट लेबल पे आपको क्या क्या निशानियाँ देखने को मिल जाएगी। यहाँ आपको न्यू इंडिया करके आपको एक ब्रांडिंग देखने को मिलेगी प्रोडक्ट की। यहाँ पे एक काइट देखने को मिलेगा जिसका डिज़ाइन आपको इस तरीके से देखने को मिलेगा। अगर आपको यहाँ पे कुछ और डिज़ाइन देखने को मिलता है तो सबसे पहले आपको वो प्रोडक्ट वहीं पता लग जाएगा फेक है लोकल है, ये चीज़ आपको सेम टू सेम मिलेगी, ठीक है। दूसरा चैप्टर ओरिजिनलिटी का ये है, आपको यहाँ पे एक स्पूल की पिक देखने को मिलेगी और दूसरी स्पूल की यहाँ पे आपको पिक देखने को मिलेगी। और यहाँ पे दोस्तों नीचे की तरफ बात करते हैं कॉटन थ्रेड सिंपल, और यहाँ पे जर्मन टेक्नोलॉजी करके यहाँ पे आपको राइटिंग देखने को मिलेगी और ये शॉक प्रूफ नॉन मेटलिटिक, मतलब इसके अंदर कोई भी मेटल का प्रोडक्ट यूज़ नहीं किया गया है, ये शॉक प्रूफ है, मेक इन इंडिया, इंडिया में ही बनता है। एक शेर दिखाई देगा जिसके ऊपर आपको मेक इन इंडिया दिखाई देगा लिखा हुआ। फ्रंट लेबल तो आपको ऐसा कुछ देखने को मिल जाता है, सेम टू सेम ऐसे कलर देखने को मिल जाएंगे। अब बात करते हैं इसके सेकंड फ्रंट ऑफ लेबल की, कि यहाँ का लेबल कैसा डिज़ाइन किया गया है।
यहाँ का डिजाइन दोस्तों अभी देख के मैं आपको बताता हूँ, बिल्कुल सेम टू सेम दोस्तों यहाँ पे वो ही डिजाइन किया गया है जो इसके यहाँ के फ्रंट लेबल पे डिजाइन किया गया है। तो इस पे कुछ भी मुझे ऐसा कुछ खास नजर नहीं आ रहा जो अलग हो। तो दोस्तों यहाँ की बात हो गई ओरिजिनलिटी की, यहाँ की बात हो गई, अब बात करते हैं इसके सामने के लेबल की। यहाँ पे सामने पे कुछ इन्होंने ऐसा कुछ खास दिया नहीं है, बस खाली पन्नी वगैरह चढ़ा करके रेफर तैयार कर दिया है और ये मार्केट में सर्कुलेट कर दिया गया है। अब बात आती है कि क्या प्रूफ है कि ये प्लास्टिक का नहीं है, कॉटन का है, उसका भी मैं आपको प्रूफ दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। उसके लिए दोस्तों उन भड़वों को ये जवाब है कि या तो आप विश्वास करना सीखिए, अगर विश्वास नहीं कर सकते तो इस प्रोडक्ट को मंगाइए और मंगा करके एक अच्छा सा प्यारा सा वीडियो बनाइए, इसको जला करके चेक करिए। अगर आपको ये लगता है कि यार ये मांजा जल नहीं रहा है, प्लास्टिक की तरह चिपक रहा है, तो 50,000 रुपये मैं आपको नाम के दूंगा। अगर आपको ऐसा नहीं लगता कि यार नहीं ये तो कॉटन का मांजा है और आपने भाई मुझसे शर्त भी रख ली, तो भाई तुम्हारे घर में घुस के 50,000 रुपये लेने की हिम्मत रखता हूं मैं। मस्त प्लान है। अगर चैलेंज एक्सेप्टेड है तो आ जाओ, कोई भी बड़ा यूट्यूबर हो या कोई भी भाई हो जो मुझे देखता हो, अगर ये विचार रखता है और कुछ भी मतलब विश्वास वाली बात आ जाती है तो भाई फिर ये चैलेंज एक्सेप्ट करो, डैट्स इट। उसके लिए कोई जवाब नहीं है, उसके लिए मेरा सीधा सीधा ये जवाब होता है। तो भाई अब बात करते हैं कि इसकी शार्पनेस कैसी है। अभी तो दोस्तों आपको यूट्यूब पे इसका वीडियो नहीं मिलेगा देखने को, सबसे पहले वीडियो मैं ही लेके आया हूं इसका, एंड शार्पनेस वगैरह चेक करते हैं इसकी कैसी है कैसी नहीं है, क्योंकि ओरिजिनलिटी की पहचान मैंने आपको बता दी है। और इसके प्राइस क्या होने वाले हैं, प्राइस की बात अगर मैं आपको करूं तो ये आपको दोस्तों पड़ जाएगा, आई थिंक ये आपको 900 रुपये से नीचे ही पड़ना चाहिए जहां तक मेरा मानना है दोस्तों, ठीक है ना। अभी कंपनी ने इसके प्राइस थोड़ा सा खुल के सामने नहीं आई है, 900 रुपये से नीचे ही इसके रेट मिलेंगे आपको। और जहां तक हो सकता है अगर आपको कोई भाई बेवकूफ़ बना दे कि भाई नहीं यार ये तो 1000 का है या 1100 का है 1200 का है, तो सीधा सीधा उसकी गांड में खड़ा बाल दे देना, ओके, क्योंकि ऐसे लोगों के लिए ऐसे जवाब होता है। एंड अभी तो दोस्तों मैं आपको इसके रेट ऐसे बता रहा हूँ क्योंकि एक साल या फिर 6 महीने तक इसके रेट ऐसे ही रहने वाले हैं। बाद की बात है कि इसके रेट अगर इंक्रीज होते हैं थोड़े बहुत या घटते बढ़ते हैं वो मैं आपको बता दूंगा, लेकिन आपको कहीं पर भी स्कैमिंग या फ्रॉड में नहीं फंसना है, प्लीज़ इस वीडियो को केयरफुली देखें। अब बात आती है इसकी अनबॉक्सिंग की। दोस्तों सोच रहा हूँ कि इसकी अनबॉक्सिंग वहीं पर कर दूँ, छत पर कर दूँ, क्या छत पर क्या करूँ यार, समझ नहीं आ रहा। चलो एक बार इसका शार्पनेस देखते हैं दोस्तों, अगर इसकी शार्पनेस इस पन्नी में चमकती है तो फिर मैं इसकी अनबॉक्सिंग नहीं करूँगा, अगर नहीं चमकती है तो फिर अनबॉक्सिंग कर दूँगा। एक बार मैं इसको लाइट ओपन करके देख लेता हूँ, ये देखता हूँ दोस्तों। ओहो ये दोस्तों ये देखिए आप, ये चीज़ चेक करें भाई यार, शार्पनेस तो इसके अंदर बड़ी ज़बरदस्त भर रखी है उन्होंने, क्वालिटी भी अच्छी है दोस्तों, एक नंबर, मतलब ओ तेरी भाई, मतलब दोस्तों ग्लास कोटेड भर भर के इन्होंने यहाँ पे यूज़ किया है ताकि शार्पनेस में मांजा कमी ना खा जाए। और आपको बता दूँ ये कोई एलजी कंपनी का प्रोडक्ट नहीं है और ना ही अभी एलजी कंपनी ने ऐसा कोई ब्रांड निकाला है, ये न्यू इंडिया करके कंपनी आई है, उसने यहीं अपना पहला लेबल लॉन्च किया है। इसकी परफॉर्मेंस की मैं बात करूँ तो दोस्तों परफॉर्मेंस इसकी मैं टेस्टिंग के दौरान ही आपको बता सकता हूँ, ठीक है। यार मेरा मन कर रहा है भाई इसको खोल के आपको मैं मतलब दिखाऊँ, सच में यार मेरा मन कर रहा है भाई, मेरे पे रुका ही नहीं जा रहा, क्या करूँ यार, मुझे इसकी मोटाई भी तो चेक करनी है, कर दूँ। अरे बोल जैसे आराम कर दे ओपन, ले आ तो मेरे भाई, होगा देखा जाएगा, इतना सबर नहीं होता भाई बिल्कुल भी। ले तो दोस्तों ओपनिंग हो गई है मांजे की, जय श्री राम। ये देखिए दोस्तों हमने भाई मांजे को तो ओपन कर लिया है और यहाँ पे ये क्या लगा दिया कंपनी ने कि कोई चिटी नहीं है, बस खाली मांजे को ऐसे ही इन्होंने यहाँ पे चिट वगैरह लगा के छोड़ दिया है। और गांठ आती है इसके अंदर, नहीं आती है, वो भी चेक करनी पड़ेगी भाई, पता नहीं यार आजकल कंपनियां कैसे कैसे काम कर रही है। चलो इस चिट को ओपन करते हैं, देखते हैं भाई क्या सीन है। चलिए दोस्तों इस चिट को ओपन करते हैं, देखते हैं क्या सीन है। और ये बहुत बुरी बदबू सी आ रही है भाई इसके मांजे के अंदर, क्या है ये, अरे भाई क्या यूज़ क्या है, मतलब बस समझ नहीं आ रहा दोस्तों। ये देखिए दोस्तों आपको यहाँ पे ही देख के पता लग गया होगा कि कॉटन के मांजे कैसे होते हैं, तो आपको यहाँ पे धागा दिख रहा होगा, ठीक है कॉटन का। ये भाई इसकी शार्पनेस वगैरह भी मैं आपको दिखाऊंगा अच्छे से, लेकिन पहले मैं मांजा एक बार चेक कर लेता हूँ, मांजे की क्वालिटी एक बार चेक कर लेता हूँ, 10 से 15 गज मांजा निकाल के एक बार आपको बताऊंगा, क्योंकि मैं कोई भी मांजा हो दोस्तों कितने भी बड़ी कंपनी का हो, चाहे वो इंडोनेशिया का क्यों ना हो, वो कितना ही बड़ा दावा करते हो, मैं विश्वास नहीं करता, मांजे का निकाल के ही विश्वास करता हूँ, 10 से 12 गज से ज़्यादा मांजा निकाल चुका हूँ। अब मैं इसको चेक करूँगा भाई कि क्या है क्या नहीं है, क्वालिटी कैसी है। यार ये तो बड़ा रफ रफ सा लग रहा है मांजा, ये देख रहे हो आप कितना रफ लगा हुआ है, ऊपर की धार चेक कर लेता हूँ एक बार यार, ओके ऊपर की धार बहुत करारी है भाई, खुरदरी सी, और नीचे की, अरे यार नीचे की धार भी बहुत करारी लग रही है। कॉटन के कोई भी मांजे दोस्तों अगर आप ऐसे हाथ फेर के देखोगे ना
तो अगर आपको धार बिल्कुल एक जगह जैसी गोल धार लग रही है, ऐसी नहीं लग रही कहीं ऊपर कहीं नीचे कहीं ऊपर कहीं नीचे, तो भाई वो मांझा आपका मतलब एक नंबर है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कहीं ऐसे फेर तो है कि भाई ऊपर नीचे गोल धार नहीं है, फिर उस मांझे पे यकीन नहीं किया जा सकता। और ये मांझा थोड़ा मोटा है, ये कम से कम 9 तार होगा, 6 तार बारीक होता है लेकिन कड़क बहुत है, थोड़ा शार्पनेस ज़्यादा है इस मांझे के अंदर। और अगर मैं धार की बात करूँ तो धार बिल्कुल ऐसी नहीं है जैसी मैं अपने मांझों में देखता हूँ, ऊपर की धार एकदम करारी और नीचे की धार एकदम चिकनी, वो नहीं है बिल्कुल भी। मतलब मुझे धार इसकी समझ में नहीं आई बिल्कुल भी यार, सच में यार समझ में नहीं आया यार। चलिए इसका एक बार शार्पनेस आपको दिखा देता हूँ मांझे का। देखिए दोस्तों, मतलब कांच तो यार भर भर के यूज़ करते हैं लोग कंपनी वाले, ताकि इनका प्रोडक्ट थोड़ा अच्छे से मार्केट में रिप्रेजेंट हो। मुझे ये नहीं पता दोस्तों अभी ऊपर काइट फ्लाइंग में क्या कोहराम मचाएगा या नहीं मचाएगा, कुछ भी हो सकता है। अच्छा मुझे बताओ कि इसकी काइट फ्लाइंग हम कब करें, टेस्टिंग कब करें, कमेंट में जल्दी से बताओ, तो उतनी ही जल्दी मैं इसकी टेस्टिंग लेके आपके सामने रिप्रेजेंट होऊंगा। तो ये था भाई आज का इसका पूरा का पूरा रिव्यू, ओरिजिनलिटी की पहचान, क्या शार्पनेस है, क्या क्वालिटी है, कितना कोड मांझा आता है, और इसके अंदर एक चीज़ रह गई कि कितना मीटर मांझा देखने को मिलेगा। तो दोस्तों इसके अंदर आपको ये 6000 मीटर मांझा देखने को मिलेगा, इट्स मीन 6 रील, ठीक है। वो सारी कंडीशन पूरी होगी, क्या प्राइस है वो मैंने आपको बता दिया है। अब बस इसकी टेस्टिंग की बात करता हूँ, तो टेस्टिंग में क्या रिजल्ट देगा मुझे भी नहीं पता, लेकिन क्वालिटी को देख करके जहाँ तक मैं आइडिया दे देता हूँ, फिर यार लोग गलत मतलब समझ लेंगे इस चीज़ का, अभी मैं कुछ नहीं बोलूँगा, बस टेस्टिंग पे ही जब मतलब टेस्टिंग हो जाएगी जब मैं ही आपको इसका असली रिजल्ट बता पाऊँगा। तो दोस्तों आज की वीडियो फिलहाल इतना ही, अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बाकी आपकी मर्जी है आप कितना प्यार देते हो इस चैनल को कितना प्यार नहीं देते हो। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए गाइस जय भारत, ध्यान रखिए अपना।